तो जी जिधर वो गधा बंधा हुआ ना, इधर से ये मतलब के भागी थी, तो अभी जी इसको ले के आए ना। टांडियो टांडियो आओ, मैं पहले बाहर फिर बेली बजी थी कह दे। तो जी कल रात की बारिश थी तो ये ना खुल के इधर आ गई हुई थी हमारे पास वाले गांव जी, तो मैं सुबह का इसको ढूंढ रहा था तो अभी हमें मिल गई है जी ये। तो जी अभी निकल पड़े हैं जी हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर जहाँ भी खुशबाश होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। बात कुछ यूँ हुआ कि 23 तारीख को आ रहा रमज़ान अल मुबारक, तो घर वाले कह रहे थे कि जो खेतों में थोड़ा बहुत भूसा रहता है ना, मतलब कि ईंधन जलाने वाला जो चावलों का, तो वो ले आओ जी। तो मैं और मेरा दोस्त आ गए हैं अपनी इस लारी पे, तो मेरा दोस्त इधर खड़ा है अभी, ये मेरे साथ मदद करवाएगा। इसने सिर्फ ये मदद करवानी है कि मैंने जो है ना वो जो मैं पल्ली लेके आया हूँ ना, इसके अंदर जब मैं भूसा डालूंगा इसने मुझे बस मेरे साथ उठाने की मदद करवानी है जी। अभी चलते हैं जी, आपको दिखाता हूँ कि कितना का मतलब भूसा रह गया। तो पल्ली इधर से पकड़ लेते हैं ताकि कोई उठा कर ना ले जाए, रास्ता भी इधर से पकड़ के तो गंदम में रख देते हैं। पहुँच गया जी खेत में, अभी इधर से इंजन जो है ना वो चादरों और पल्लियों में डालेंगे, तो इधर से उठाएंगे तो कम से कम 2-3 एकड़ का फासला है वो तय करके, फिर जो है ना वो गधे पे रख के गधा गाड़ी पे तो गोंद लेके जाएंगे जी। अभी वो सामने खड़ा जी एक दोस्त, ये मेरे साथ अभी करवाएगा मदद जी। आ जाओ भाई जान। तो गिला हो गया है, तो जी 1, 2, 3 और 4, तो जी ये 4 जो है ना वो हमने पंडे भर लिए हैं, अभी इसको उठाएंगे। तो मुझे जी शुजात ने जो है ना मेरे सर पर रखा है और शुजात अब खुद उठाएगा जी। आए दूध मक्खना दी डली, तो जवानियां नहीं संभाली हो जाती अजकल दी। खैरा खैरा ये है जी 20 किलो नाड़ दी पंड जी, ठीक है ठीक है, इत्थे रख आए तो जानी है। 2 एकड़ सफर करके तो पहुंच गए जी, मेरे पीछे शिजात भी आ रहा, ये देखो तो ये हमारा गधा खड़ा है, इधर से रखते हैं जी पांडे पांडे छोटे 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 थे जी। इधर हम लोगों ने रस्सा छुपाया हुआ था तो इधर से अब शिजात भाई जी जो है ना वो रस्सा बांधेंगे जी, ताकि जो ईंधन है ना वो महफूज जा सके घर जी। हमने मजबूती से जी बांध लिए पंडे जी, अभी जी खोती धड़ाधड़ से चलेगी जी। मगर हमने लाली फिर नहीं थे, चल जाना यकीन करा अब नहीं बांधता जी। तो जी रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, हाँ ध्यान ध्यान, लेकिन जी काम होगा जी। तो जी अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो दोस्त ना बैलगाड़ी चला रहा है, तो मैं ना रेड़ी के ऊपर आ गया हूँ, तो ये देखो जी ईंधन वगैरह ऊपर रखा हुआ जी, कार का सरूट आंदा भाई जी कार का, जट फिरे खेता बिचड़ी जट फिरे खेता बिच नहीं जी। ये भाई हमारे पास आ गया, तो ये कह रहा कि चारा उठाने में ना मेरी मदद करो, तो अभी मैं ना उसके साथ चारा उठाता हूँ।
अभी जी नेक्स्ट डे इंधन वगैरह लेकर तो मैं शाम को गाड़ा आ गया था, तो शाम को ना गधा बाहर बांध रहे थे तो बहुत ज़्यादा आंधी आई, तो मैं बाहर गधा लेने ना जा सका, जिसकी वजह से ना गधा शाम को कल सारी रात ना बाहर रहा। तो सुबह मैंने आके देखा तो गधा इधर बांधा हुआ था, तो वो ना अभी इधर नहीं आ, मतलब गुम हो गया। तो अभी किसी भाई से पूछते हैं कि गधा किधर है, तो उसको ना ढूंढ कर घर लेकर आते हैं, क्योंकि उस पर ना चारा वगैरह भी लेकर आना। मैंने जी बहुत से भाइयों से पूछा अपने गाँव से, तो किसी ने कोई नहीं माना कि हमें आपका ना गधा मिला। तो अभी मैं और मेरा दोस्त है, हम लोग जा रहे हैं बाइक पर ढूंढ रहे हैं गधे को, साथ वाले गाँव जाके देखते हैं, शायद वहाँ किसी भाई को ना मिला हो। तो जी कल का हमारा गधा नहीं था मिल रहा, तो इधर आ गया हुआ जी। ये देखो हमसे डर भी नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा, इसीलिए हमसे नहीं डर रहा जी, कहने चंगा जोड़ बने रहे थे। तो जी कल रात की बारिश थी, तो ये ना खुल के इधर आ गई हुई थी हमारे पास वाले गांव जी। तो मैं सुबह का इसको ढूंढ रहा था, तो अभी हमें मिल गई है जी ये, क्योंकि लोगों से पूछ पाछ के ना मैंने यहाँ का पता ले लिया। तो इधर बंधी हुई थी ये, हमारे पास ही दूसरा गाँव था जी जहाँ ये बंधी हुई थी। तो अभी ले कर चलते हैं जी घर इसको, क्योंकि चारा भी अभी लाने वाला था जी। तो जी ये कैसे हमारे आगे आगे चल रही है देखो जी। खोती बेच के बोतल पी लेने हर। तो जी अभी जी ऊपर बैठ के जाएंगे इसके, आगे से ये इधर नहीं आएगी जी। चल जान देना हूँ जान दे रहा, मुड़ के नहीं गुआचेंगे तू उधर। तो जी जिधर वो गधा बंधा हुआ ना, इधर से ये मतलब के भागी थी, तो अभी जी इसको ले के आए ना। टांडियो टांडियो आओ, मैं पहले बाहर फिर बेली बजी थी कह दे। तो जी बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद ये गधा मिल गया। तो अभी मेरे दोस्तों ना बहुत गुस्सा, क्योंकि ये दो दिन से ना गैप था। तो अभी हम लोग, तो जी अभी शाम हो गया, हम लोग इस पर लेने हैं ये चारा। ये जी दोस्त चारा काट रहा है, तो आज बहुत ज्यादा चारा काट रहा, क्योंकि आज सारा गुस्सा ना गधे पर लेकर आना है। देखिए भाई कहता इस वक्त में जब तन्हाई में मुझको याद करती हो, मेरी याद तो तुमको आती नहीं, और फिर क्या काम करती हो। वाह जी वाह। तो जी कैसा लगा इसका भाई का शेर, आप लोगों ने ना कमेंट में जरूर बताना, आप लोगों ने ना कमेंट में जरूर बताना जी। कहता ये जिस्म का नशा। तो जी अभी दोस्त चारा काट रहा है, शाम का वक्त हो गया, ये देखो जी गधा उधर बांधा हुआ। तो आज जी बहुत ज्यादा चारा काटना है, क्योंकि इसने गधे ने ना हमें बहुत ज्यादा तंग किया, तो आज ना बहुत ज्यादा चारा इस पर लेके जाएंगे जी। चारा वगैरह मैं ले आया हूँ, और इधर ना खोलियों में डाल दिया काट काट। तो अभी मैं अपने सारे कामों से ना फड़क हो गया हूँ, तो आज का व्लॉग इधर ही करते हैं खत्म, और मुझे एक मिनट में ला देता ना आज का व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।